अगस्त 2020 का दिन कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल सकता। स्वतंत्र दिवस की शाम को भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास का ऐलान किया था। क्रिकेट फैंस उनके इस फैसले से उभर भी नहीं पाए थे कि कुछ समय बाद ही उनके साथ लंबे समय तक खेलने वाले बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। रैना उस समय सिर्फ 33 साल के ही थे, हालांकि भारतीय टीम में वह इससे पहले काफ़ी लंबे समय से बाहर चल रहे थे, लेकिन वह धोनी के साथ उस समय चेन्नई सुपर किंग्स टीम का एक अहम हिस्सा भी थे। रैना ने अपनी आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला साल 2018 में इंग्लैंड के दौरे पर खेली गई वनडे सीरीज के दौरान खेला था। अब सुरेश रैना ने धोनी के ठीक थोड़ी देर बाद अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले का कारण भी बताया। रैना ने कहा कि हमने साथ में काफ़ी क्रिकेट खेला है, मैं खुद को इस मामले में भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे धोनी के साथ भारत और चेन्नई सुपर किंग्स में एक साथ खेलने का मौका मिला। रैना ने आगे कहा कि मैं गाजियाबाद से आता हूं और धोनी रांची से, मैं पहले धोनी के लिए खेलता हूं और उसके बाद देश के लिए। हमने साथ में कई अहम फाइनल मुकाबले खेले हैं जिसमें वर्ल्ड कप से लेकर आईपीएल तक शामिल है। वह एक शानदार लीडर होने के साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। थोड़ी ऐसी खबरों के लिए, कहानियों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।